दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी बाइक को चोरी होने से 100% बचा सकते हैं, या फिर अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो कैसे आप उसको तुरंत के तुरंत ढूंढकर वापस पा सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास जेस्को कंपनी का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। दोस्तों जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस हमने पहले रिव्यू किया था, ये वाला उससे भी काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है, क्योंकि इस डिवाइस में है इसकी खुद की इनबिल्ट बैटरी। तो अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है और चोर को आपकी बाइक पर कुछ अलग से कनेक्शंस दिखते हैं और उनको काट देता है, या फिर आपकी बाइक की बैटरी को ही वो निकाल देता है, तो भी हमारी बाइक में छिपा हुआ ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस आपको आपकी बाइक तक डेफिनेटली पहुंचा देगा अपनी खुद की इनबिल्ट बैटरी की मदद से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाला हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों ये डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा और मैंने इसको बाय करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो कुछ इस तरह का हमको इसका बॉक्स मिल जाता है और इसका मॉडल नंबर है ZT901 बैटरी मॉडल। इस डिवाइस को आप अपनी बाइक, कार, ट्रक किसी भी व्हीकल पर यूज कर सकते हैं। और बॉक्स की पीछे की तरफ हमको इसके कुछ मेन फीचर्स बताए गए हैं। दोस्तों खुद की इनबिल्ट बैटरी होने के साथ साथ ये डिवाइस वाटरप्रूफ भी है। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं हमको अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमको एक इंस्टॉलेशन और सपोर्ट गाइड दी गई है। फिर यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ हमको ये पार्ट्स दिए गए हैं और यहाँ पर हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड भी प्रोवाइड किया गया है इस डिवाइस के लिए, जिसको हम अपने फोन पर ट्रैक मी टू ऐप के जरिए ट्रैक कर पाएंगे अपनी व्हीकल की लोकेशन को। तो दोस्तों कुछ तरह का हमको ये डिवाइस मिल जाता है और इस डिवाइस को वर्क करने के लिए हमको डालनी होती है इसमें एक सिम, जिसमें 2G इंटरनेट का होना जरूरी है और सिर्फ 2G इंटरनेट सफिशियंट है इस डिवाइस के लिए आपकी व्हीकल की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों ये दो हमको स्क्रू खोलने होते हैं। स्क्रू ड्राइवर से इन दोनों स्क्रू को हम सबसे पहले खोल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको लगानी होती है सिम। तो दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है और दोस्तों जिस तरह से इसमें सिम कार्ड बना हुआ है उसी तरह से हमको सिम कार्ड को इसमें इंसर्ट करना है। और जैसे ही हम इसमें सिम कार्ड को इंसर्ट करते हैं हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है, क्योंकि इसमें खुद की इनबिल्ट बैटरी है और जब भी इसको एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ये अपनी खुद की बैटरी से ही आपको अपनी जीपीएस लोकेशन बताता रहेगा। तो सिम लगाने के बाद आप वापस से स्क्रू को अच्छी तरह लगा दें। और दोस्तों आपको इसकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए अपने फोन पर डाउनलोड करना पड़ता है ट्रैक मी टू ऐप को। मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो हम इसको ओपन करते हैं और बॉक्स पे दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड आपको इसमें एंटर कर देना है। तो ये यहाँ पर हमारा लॉगिन हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जीपीएस बता रहा है, कनेक्शन बता रहा है और दोस्तों आप इस डिवाइस की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। तो ये अभी किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें खुद की इनबिल्ट बैटरी है और ये सारा अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस डिवाइस में है 3 वायर कनेक्शन, तो बिल्कुल इजी कनेक्शन है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसका सारा कनेक्शन करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैंने इस डिवाइस को इंस्टॉल किया है अपनी बाइक के सीट के नीचे। आप जहां चाहें वहां अपनी बाइक पर इसको छिपा सकते हैं। और दोस्तों ये डिवाइस फुली वाटरप्रूफ है, तो जब भी आप अपनी बाइक को धुलवाएंगे या फिर अभी बरसात में आपकी बाइक गीली भी होगी तो भी इस डिवाइस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों आप इस डिवाइस को अपनी बाइक में जहां भी छुपाएं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये वाला पार्ट है जिसमें सिम लिखा हुआ है इसको ऊपर साइड रखना है, इसका फेस अप साइड रहना है, जिससे सिग्नल का कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो दोस्तों ये हैं 3 वायर, आप देख सकते हैं रेड, ब्लैक और येलो। तो दोस्तों जो ये रेड ब्लैक वायर है हमको इसको सिंपली अपनी बैटरी के रेड ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये रेड वाला वायर है इसको हमने जोड़ा अपनी बैटरी के रेड वाले वायर से। ये फ्यूज़ में आके जो हमारा पॉजिटिव कनेक्ट हो जाता है इसमें हमने अपना रेड जोड़ दिया है। और जो यहाँ पर ब्लैक वाला वायर है वो हमने कनेक्ट कर दिया अपने बैटरी के ब्लैक वाले वायर से। फिर दोस्तों जो ये थर्ड वाला वायर है इसको हमको कनेक्ट करना होता है अपनी बाइक के इग्निशन में, तो मैं इसको अपने फ्यूल टैंक के नीचे से लेकर आया हूँ, जिससे ये अलग से कहीं से दिखे ना। फिर दोस्तों जो ये यहाँ पर आ गया है तो हमको इसको कनेक्ट कर देना है अपनी बाइक के इग्निशन वाले वायर से। ये दोस्तों ये 2 वायर आए हुए हैं इग्निशन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इग्निशन से ये निकला हुआ है और इसमें से 2 वायर आए हुए हैं। तो सिंपली हमको इग्निशन के इस वाले वायर को छील लेना है। छीलने के बाद दोस्तों जो हम ये पीछे से येलो वाला वायर लाए हैं इसको हमको इसमें कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद हमको काफ़ी अच्छी तरह से इसमें टेपिंग भी कर देनी है। और दोस्तों ये कनेक्शन था इग्निशन ऑन ऑफ बताने के लिए, हमें अपने मोबाइल पर ही पता चल जाएगा कि हमारी बाइक अभी ऑन है या फिर ऑफ है। तो दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से ये 3 वायर आए हुए हैं हमारे डिवाइस में से, रेड ब्लैक हमारे बैटरी के रेड ब्लैक से कनेक्ट हो जाएगा और जो येलो वाला वायर है वो हमारे इग्निशन से कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है और आप डबल साइड टेप का यूज़ करके इस डिवाइस को कहीं भी अपने बाइक पर फिक्स कर सकते हैं और इस वाली साइड को आप ऊपर रखें तो ये अच्छा होगा सिग्नल्स के लिए। तो दोस्तों इस तरह से इस डिवाइस को आप अपनी बाइक पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस डिवाइस का लाइव वर्किंग दिखा देता हूँ। दोस्तों ट्रैक मी टू एंड्रॉयड ऐप पर आप लाइव ट्रैकिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपने
व्हीकल का बिल्कुल लाइव ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लाइव ट्रैकिंग दिखा रहा है मेरे व्हीकल का, और जैसे जैसे आपका व्हीकल आगे बढ़ेगा या फिर जहाँ भी वो रुकेगा वो सारा कुछ इसमें दिखाते जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपका व्हीकल कितनी स्पीड से रन हो रहा है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा, ऊपर स्पीड ब्लिंक होती रहती है। और दोस्तों आपका व्हीकल कितना रन हुआ है, कितना ट्रिप उसने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है, वो भी यहाँ पर ऑडोमीटर में लिखा हुआ आ जाता है इसी ऐप में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसको बाय करना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।